इवनिंग डियर फ्रेंड, ये वीडियो मैं हॉस्पिटल के वॉशरूम से बना रहा हूँ, कहीं पापा बेड में थे, पापा के लिए दुआ करें। वो कहते हैं ना अपनी गली में कुत्ता भी सेल होता है, और अगर अपनी गली में कुत्ता सेल नहीं हो तो डाउट करना चाहिए। कुछ ये हालत हो गया था इंडिया में कुछ दिन पहले, अपनी गली में, बाहर की गली में, हर एक जगह आ रहे थे, इंडिया टीम बैक इन फॉर्म आई है। लेकिन इसके लिए खुशखबरी नहीं मनानी चाहिए, इंडिया टीम क्योंकि बैक इन फॉर्म आई, क्योंकि इंडिया टीम ने आज तक कभी न्यूजीलैंड से इंडिया में बायलैटरल सीरीज हारी नहीं है, और ये 7 कंसेक्यूटिव विन है बायलैटरल सीरीज में। अगर ये इंडिया हार जाती तो दिक्कत था, जीत गई है तो अच्छा है। कुछ लोग बहुत खुशियां मना रहे क्योंकि अपन जीत गए। भैया जीत गए, लोग बोलेंगे कि आप नेगेटिव बोलते हो, मैं नेगेटिव नहीं, बहुत सही बात करता हूँ। ये न्यूजीलैंड की ये टीम थी क्योंकि ना इसमें विलियमसन खेल रहे थे, ना ट्रेंड बोल्ड कर रहे थे, ना टीम साउथी खेल रहे थे। जीत की इतनी खुशी मनानी हमें नहीं चाहिए, हमें खुशी मनाओ। ये बहुत बड़ी जीत इसलिए थी मेरे अकॉर्डिंग टू माई रिव्यू, दो परस्पेक्टिव से। सबसे पहला परस्पेक्टिव था कि बहुत थर्ड लार्जेस्ट जीत थी जो हम लोग 20 ओवर में चेज करे, ये इंडिया के अभी तक थर्ड लार्जेस्ट जीत है। दूसरा, बहुत दिनों के बाद बॉलिंग टीम ने इंडिया को मैच जितवाया, राजन बैटिंग टीम ने तो। और इस बॉलिंग टीम में एक उभरता हुआ सितारा सामने आया जिसका नाम है मोहम्मद सिराज, जो कि अभी थर्ड नंबर पर ओडीआई में हो गया है। वो अभी बुमराह को कम्पीट करने लगा क्योंकि बुमराह अभी भी इंजर्ड है, अभी वापस आएगा, फिर से लैब में आएगा। इंजरी के बाद कमबैक करना बहुत ही मुश्किल होता है, कमबैक कर ले तो अच्छा है, लेकिन वो कमबैक करेगा। लेकिन मोहम्मद सिराज ने बता दिया अपनी पहचान, हमें मोहम्मद शमी की वापसी भी है। मोहम्मद शमी बहुत अच्छे गेंदबाज है ODIs में, और उन्होंने वापसी की, बहुत अच्छी वापसी की है। उधर सुना है कि बुमराह भी प्रैक्टिस करने लगे, उधर सुना है जडेजा भी प्रैक्टिस करने लगे। उम्मीद है सब वापस आए और इंडियन टीम का चार चार लगा दे। इसके बाद अभी जो थर्ड ODI बाकी है न्यूजीलैंड का, मेरी तो ये है इंडिया की पूरी ए टीम को खिला दे, पाटीदार वगैरह सबको चांस दे दो यार, सबको खिलाओ, देखो क्या कैसे खेलता है। रोहित शर्मा की कैप्टनशिप की बहुत तारीफ हुई है, जब आपका प्लेयर अच्छा होता है ना, प्लेयर के अंदर पंप रहता है तो रोहित शर्मा की कैप्टनशिप अच्छा नहीं। रोहित शर्मा ने बैटिंग बहुत अच्छी करी है, जो 50 रन वाली इनिंग के लिए क्या होता है, पुराने रोहित शर्मा दिख रहे थे, कैप्टनशिप की उतनी तारीफ करने की जरूरत थी। पांड्या बहुत एग्रेसिव से बॉलिंग कर रहे हैं, पांड्या बता रहे कि उन्हें भी कैप्टन, उन्हें ही कैप्टन अब बनाना चाहिए इंडियन टीम का। पांड्या इज डूइंग वेरी वेरी वेल, आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड फॉर कमिंग एलन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। उसके बाद तो IPL आएगा। हाँ, वुमेन्स IPL की बात करें तो वुमेन्स आई पी एल में झूलन गोस्वामी और हमारी जो मीटू और झूलन गोस्वामी दोनों ने बिट सबमिट किया खेलने के लिए। 40 साल वो रिटायर हो चुकी, लेकिन IPL में खेलने के लिए बहुत बड़ी बात है, IPL के लिए, तो वुमेन्स IPL के लिए। इसके बाद मेल्स IPL चालू हो जाएगा, सारे फिर से IPL के बाद बहुत सारे प्लेयर इंजर्ड होंगे। तो ODI का रास्ता अभी जो इंडिया वर्ल्ड कप का ODI का रास्ता, ये 2-3 मैच जीत के न्यूजीलैंड की टीम के साथ जीत के, नक्को खुश नक्को आप लोग, अभी आप लोग खुश हो, आप जश्न नक्को मनाओ, ये सब ये नेचुरल है। यहाँ हम इंडिया हारती तो दिक्कत था, जीती तो नेचुरल, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, मेरे पापा लगे, बाय।